महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी के लीडर जितेंद्र औहाड़ ने कहा कि मुगल बादशाह औरंगजेब हिंदू मुखालिफ नहीं थे। हालांकि इस पर उठने वाले तूफान के डर से उन्होंने अपने बयान में तब्दीली कर दी और कहा कि औरंगजेब एक जालिम बादशाह था जिसने इख्तदार पर चढ़ने के लिए अपने भाई और वालिद का कत्ल कर दिया था। औहाड़ ने कहा कि छत्रपति संभाजी सर देसाईवाड़ा संगमेश्वर में थे। उन्होंने कहा कि औरंगजेब को ये तिलक किसने थी, यहीं पर असली तारीख मरकूज है। जितेंद्र ने आगे कहा कि औरंगजेब को बहादुरगढ़ लाया गया, इसी बहादुरगढ़ किले के करीब एक विष्णु मंदिर था। अगर औरंगजेब हिंदू मुखालिफ होता तो वो विष्णु मंदिर को भी तोड़ देता। महाराष्ट्र के साबिक मिनिस्टर औहाड़ ने मजीद कहा कि मेरा ख्याल है कि तारीख में वापस जाने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि इससे समाज के दरमियान नए तनाजात बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने खादी को लेकर राहुल गांधी और कमल हसन की बातचीत पर तनकीद करते हुए कांग्रेस कायद को खादी के तहत लगाव रखने का मशवरा दिया। खादी को लेकर राहुल गांधी जी कमल हसन से चर्चा कर रहे हैं और इधर बीजेपी कटाक्ष कर रही है, खादी को लेकर आडंबर कर रहे हैं। ये कटाक्ष नहीं है, वास्तविकता है कि खादी को लेकर वो आडंबर कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब खादी के लिए आह्वान किया तो आजादी के बाद से जितनी खादी नहीं खरीदी गई उनके आह्वान पर 1.25 लाख करोड़ रुपए की खादी देश के अंदर खरीद ली गई। और राहुल बाबा, अगर खादी से इतना ही लगाव था तो विदेशी टी शर्ट पहन के काय को यात्रा कर रहे हो? खादी पहन के यात्रा करते? अरे कम से कम आज जब इंटरव्यू दे रहे हो उनको, जो वायरल करवा रहे हो आप प्लान से, उसी में खादी पहन के बैठ जाते तो खादी से लगाव प्रदर्शित कर देते। ये आपकी दुभाषी बातें सब लोग समझते हैं देश के।